सेक्टर 22 नुक्कड़ ढाबा के मालिक जोगिंदर सिंह पर उनकी पत्नी मंजू ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत मंजू ने सेक्टर 22 पुलिस चौकी को दी है। घायल मंजू सेक्टर 16 अस्पताल में भर्ती है। वहीं सेक्टर 22 चौकी इंचार्ज सुरेंद्र ने कहा कि मामले में केस दर्ज किया जा रहा है, पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मंजू और उसके पति में मारपीट हुई थी और मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन दोनों में समझौता पुलिस द्वारा करवा दिया गया था। और वहीं शुक्रवार को दोनों में फिर से मारपीट हुई। पति ने पत्नी के सिर पर फ्राई पैन से कई बार हमले किए। इसमें उसके सिर, पैर, गर्दन और पीठ पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सेक्टर 16 में भर्ती करवाया गया। पीड़िता ने कहा उसका पति उसे रोजाना मारपीट करता है, उसके दोनों बच्चे उसी के साथ देते हैं, जबकि सेक्टर 22 चौकी पुलिस ने 2 दिन पहले ही राजीनामा करवाया था। वहीं लोग ढाबे के मालिक जोगिंदर सिंह से बात करनी चाही तो बेटे पंकज ने फोन उठाया और कहा कि पति पत्नी का झगड़ा है, जब से मेरी बहन मनीषा की मौत हुई है तब से माँ डिप्रेशन में चली गई है, रोज लड़ाई करती है और 5 करोड़ की मांग करती है। इससे पहले माँ ने पापा को चाकू मारा था, बचाव में पिता ने मारा, उसकी माँ का साइकियाट्रिस्ट से इलाज चल रहा है। ये सुबह मैं अपने घर वाले से पूछने लगी कि नुक्कड़ ढाबे की कमाई कितनी है, तो पहले तो वो बोला नहीं। उसके बाद उसने खींच के मेरे को कहता जो हिस्सा लेना कानून से जाके ले ले। तो इस बात पे फिर वो मेरे को मारने लग गया। उसने मेरे सिर के ऊपर फ्राई पैन मारा, फिर डंडे से पिटाई करने लगा और गाली गलौज करने लगा और बहुत गलत बोलता है। मेरे को बहुत चोट लगी है, जो मेरी टांग भी टूट चुकी है, सिर में भी काफ़ी टाके आए हैं। मारता क्यों है, बस अगर मैं नुक्कड़ ढाबे पे बैठ जाती हूँ, अगर इतनी सी बात मैंने बोली है भी नुक्कड़ ढाबे की कमाई कितनी है, तो इस बात पे वो मेरे को ये हालत कर दी है उसने। तो मैं अगर नुक्कड़ ढाबे पे बैठ जाती हूँ या कुछ चीज़ मांगती हूँ या खर्चा मांगती हूँ, उसके लिए भी वो मेरे को मारना शुरू कर देता है। और मैं कहीं अगर बाहर चली भी जाती हूँ तो कहता है तू गंदे काम करके घर आके सो गई है। हाँ जी, आज दी क्या लिखा है आपने पुलिस को कंप्लेंट में? यही जो मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ लिखाया। और मेरा घर वाला शराब पी के भी मेरे को मारता है रात को 1:30-2 बजे। पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हो आप? पुलिस से कार्रवाई ये करवाती हूँ, इसको जितनी से जितनी इसको सजा दी जाए वो मेरे लिए कम है। मेरे सर में यहाँ चोट लगी है, टांके आए हैं, ये देखो बाकी ये चोट लगी है, पैरों पे चोट लगी है, मेरे हड्डी में फ्रैक्चर आ चुका है। अब मैं जा रही हूँ, पहले इन्होंने मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल ले आए हीलिंग में। कौन लेकर आया था? ये घर के ही सारे, पंकज भी वैसे मेरे को बहुत गंदा बोलता है, वो भी मेरे को मारता है और पूजा भी गलत बोलती है, वो मेरी बेटी है। और इन्होंने घर वाले ने भी, जोगिंदर सिंह ने भी मेरे को 16 में नहीं भेजा और सीधा मेरे को प्राइवेट हीलिंग हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वहाँ पे अब मेरा ट्रीटमेंट मैंने खुद ही बंद करवा दिया कि मैं 16 जाना चाहती हूँ और मेडिकल अपना करवाना चाहती हूँ और पुलिस से कार्रवाई करवाना चाहती हूँ।